11:04 हो रहे हैं और गाड़ी जो है वो अपना शेड्यूल स्टॉप मतलब दार रेलवे स्टेशन पर कर रही है और यहाँ पर स्टे होगा और कुछ तकरीबात का भी अहतमाम यहाँ पर किया गया है तो वो भी आपको दिखाएंगे। और कैटल वॉक जो है वो भी यहाँ पर है और बड़ा अच्छा सवारी टूरिज्म ट्रेन जो है वो अपना जो मंजिल तय कर रही है वक्तन फवक्तन। और हसन अबदाल रेलवे स्टेशन पर मैं आ गया हूँ और हसन अबदाल रेलवे स्टेशन हो और पहाड़ ना हो और ये आप कुदरत के नज़ारे देख सकते हैं और सामने बड़ी खूबसूरत और प्यारी मस्जिद और उसका मीनार भी आप देख सकते हैं और बोर्ड की दरख्त के छाँव में हसन अबदाल रेलवे स्टेशन बड़ा प्यारा लग रहा है। अभी आपको स्टेशन बिल्डिंग भी दिखाते हैं और यहाँ पर हॉर्स वॉक भी होगी। ग्यारह बजकर 30 मिनट हो रहे हैं और सामने से 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस आ रही है 24562 की गाड़ी में। और यहाँ पर अपना शेड्यूल स्टॉप करेगी
12:16 हो रहे हैं और अटक रेलवे स्टेशन पर गाड़ी अपना आखिरी स्टॉप कर रही है क्योंकि इसका रूट अटक तक ही था। नहीं नहीं भाई नहीं, अटक अटक शहर है, अटक पूर्व से और अटक शहर से ये गाड़ी पास थ्रू कर रही है और अटक पूर्व तक ये जाएगी। सॉरी मैं जरा इस सिटी का कह दिया। बारह बजकर 40 मिनट हो रहे हैं और सामने 48 और रहमान बाबा एक्सप्रेस आ रही है 85-15 की पावर के साथ। रेलवे स्टेशन पर पास थ्रू कर रही है और यहाँ पर इसका आखिरी स्टॉप होगा और इसके बाद ये यहाँ से वापस रवाना होगी। और अभी इस टाइम हम अटक रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं और सामने लोकोमोटिव 8380 वो भी आपको नज़र आ रहा होगा और उसके साथ ही अटक रेलवे स्टेशन के मुतहका जो पहाड़ी हैं वो भी आपको नज़र आ रही होगी। तो इंशाल्लाह अभी आपको इंडस रिवर का भी व्यू करवाएंगे इंशाल्लाह और यहाँ पर खाने पीने के लिए भी इंतजाम किए गए हैं और सभी जो दोस्त हमारे रेल फैन हैं यहाँ सही भाई खड़े हैं, जैन भाई खड़े हैं और देव साहब भी खड़े हैं और एस टी एंड पब्लिक ऑफिशियल भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत व्यू है और सामने जीटी रोड भी नज़र आ रहा होगा और कुदरती हुस्न से माला माल ये खिता और ऐसा खिता जिसको देखकर दिल खुश हो जाए। और अभी मैं कटक खुर्द रेलवे स्टेशन के ऊपर इंडस रिवर ब्रिज के मैं ऊपर आ गया हूँ और कटक रेलवे स्टेशन पर आए और आपको दरिया सिंध ना दिखाएं तो ऐसा हो नहीं सकता। तो ये आप देख सकते हैं और पानी भी काफ़ी मौजूद है इंडस रिवर में। और इन खूबसूरत वादियों और नज़ारों को देखकर दिल से यही निकलता है सुभान अल्लाह। ये आप देख सकते हैं तो
दोस्तों अटक ब्रिज के ऊपर मैं आ गया हूँ और मेरे पीछे आप देख सकते हैं सीन जो कि एक क्रीक की अहमियत का हामिल इंडस रिवर है और ये बिल्कुल आप ट्रैक भी देख सकते हैं। तो और दरिया में पानी बहता हुआ और आसपास हरी वादियाँ, सरसब्ज पहाड़ और ये हमारा प्यारा पाकिस्तान और कुदरत की यह सीन नज़ारों को देखकर यही लगता है और दिल से यही निकलता है कि सुभान अल्लाह। अंदाज़ा लगाएं कि कितनी खूबसूरत जगह है ये। आसपास में आप देखें सरसब्ज दरख्त हैं हरे भरे और में आप पहाड़ देख सकते हैं, आप देखें दूर दूर तक आपको पहाड़ और दरिया नजर आएगा। अभी वो वहाँ ब्रिज से मैं नीचे आ गया हूँ और नीचे आपको दरिया दिखाता हूँ और ये सब आपको सफारी ट्रेन में मिलेगा। और काफ़ी ऊंचा पुल है ये, आप देख सकते हैं कि कितनी ऊंचाई से मैं नीचे आया हूँ और अभी भी नीचे जाना है। रास्ता आप भी देख सकते हैं कैसा रास्ता है। और साथ से जैन भाई हैं, बिलाल भाई हैं और फहीम भाई हैं। और ये मैं जी दरिया के पास ही आ गया हूँ तकरीबन और अभी मैं दिखाता हूँ आपको कि किस ऊंचाई से मैं नीचे आया हूँ। वो दिखे जो ब्रिज है, लोग अपने बच्चों के साथ सेल्फियाँ ले रहे हैं और बच्चे भी कहीं याद करेंगे जब बड़े होकर सेल्फियाँ देखेंगे तो वो और ये दोस्तों सामने दरिया है बिल आखिर इतनी उतराई उतर कर हम दरिया के पानी को अभी आप मैं किनारा भी दिखाता हूँ इसका। ये है जी किनारा, यह देखें आप और बड़ी स्पीड से ये पानी जा रहा है। जी दोस्तों ये था आज का ब्लॉग और सवारी टूरिस्ट के हवाले से कि कौन कौन सी सहूलियात सवारी टूरिस्ट ट्रेड में दी जा रही हैं। तो अभी जो इसका ऐलान हुआ है वो तो हफ्ते में एक बार हुआ है और इतवार के इतवार ये चला करेंगे रावलपिंडी से अटक तक। तो और काफ़ी कुछ देखने को मिला और किराए इंडस का भी हमने विज़िट किया और इसके अलावा गुलरा शरीफ का विज़िट किया, खाने का इंतजाम था, ब्रेकफास्ट का इंतजाम था। तो ओवरऑल एक अच्छी कम कीमत में ये एक अच्छा एक पैकेज है एस मिलट कंपनी की तरफ से और मेरा तो सजेशन आप लोगों से ये है कि ज़रूर एक बार इसमें विज़िट करें और जो नज़ारे हमने देखे हैं वो आप भी उसको देखें। शायद हम उस तरह से आपको वो नज़ारे ना दिखा पाए हों जिस तरह आप खुद आके ये नज़ारे देख सकें। और अगर मैं बात करूं कि सफारी ट्रेन के हवाले से कि कौन कौन सी इसमें सहूलियात दी जाती हैं तो इसमें आपको ब्रेकफास्ट मिलता है और उसके अलावा दोपहर को लंच भी मिलता है। तो संडे और संडे को ये ट्रेन अब चला करेगी। तो दोस्तों
ये था आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो जो दोस्त अभी मेरे चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर किया करें। आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान रेलवे जिंदाबाद।